कलयुग के तपस्वी श्री सत्यनारायण बाबा के जन्म रायगढ़ जिला के डूमरपाड़ी गांव में 12 जुलाई 1984 के मंझोलन किसनहा घर में हो रही से। अपन सत्कर्म के फल के रूप में श्री दयानिधि साहू और श्रीमती हंसमती साहू के घर में बेटा के जन्म से तपस्वी बाबा श्री सत्यनारायण के माता पिता होए के गौरव प्राप्त होइस। बाबा के नाम हल्दर रखे गईस, लेकिन ओकर पिताजी हमेशा बाबा ला सत्यम कहे। जब बाबा हा छोटकन रही से ओई घानी ले ही सपना मा शंकर भगवान हा दर्शन देवे। बाबा हा अपन माँ और दादी ला ए बात ला बताए करत रहे से। एक बार हल्दर हा लगातार 7 दिन और 7 रात तक गांव के ही भोलेनाथ के मंदिर में जाके भगवान में ध्यान लगा के उपासना करत बैठित गिन। तब ले हरदल हा लगातार अपन इष्ट देव भगवान शिव के ध्यान में बुड़े रहत रहिस। भगवान शंकर बा हल्दर के भक्ति ला देख के गांव के बड़े बुजुर्ग और ओखर घर के मन हल्दर ला सत्यनारायण के नाम दिस। तब ले हरधर हा सत्यनारायण कहलाए लगीस। एक दिन 12 फरवरी 1998 के सत्यनारायण हा स्कूल जाए बा घर ले निकलेस, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचिस। सत्यनारायण हा पहली ले भगवान द्वारा निर्धारित जगह ला खोजे और अपन इष्ट देव भगवान शिव के नाम जाप करे बा निकल परिस। कोसमनारा गांव के उजाड़ खेत असन जगह मा पहुंच के सत्यनारायण के खोज हा पूरा होइस और ओई मेर ला सत्यनारायण हा अपन तपस्थली बना के बैठ गईस। कोसम नारा हा सत्यनारायण के गांव देवरी डूमरपाली ले 18 किलोमीटर दूरहा में है। ओ दिन सत्यनारायण हा एक ठी पथरा ला शिवलिंग के रूप मा अपन आगू मा मढ़ा के ओ शिवलिंग मा अपन जीभ ला चढ़ा दीस और तपस्या मा लीन हो गईस। लगभग एक हफ्ता बाद एक सेवक हा बाबा सत्यनारायण करा पूछ के अनुमति लेके शिवलिंग के तीर मा धुनी बार दीस, जेन हा आज ले अखंड धुनी के रूप में जला थी। बाबा की तपस्या के शुरुआत के समय मा तीर तखार के लोग बाग मन बाबा द्वारा करत तपस्या के विरोध करत रही हैं। कोई कोई मन बाबा ला परेशान करें, तपस्या ले उठाए के प्रयास करें। बाबा श्री सत्यनारायण की तपस्या ला देख के ओला परेशान करोया तक बनेच रही है, लेकिन बाबा के भक्त मन के संख्या मा घलोक बढ़ोतरी होत जात रही से। बाबा के 24 घंटा के देख रेख करोया रहीस कि बाबा ला कोई परेशान मत करे। बाबा श्री सत्यनारायण के तपस्या के परिसिद्ध चारों मुड़ा मा फैलत गईस और भक्त मन दर्शन करे बा आत गईस। ये सब ला देख सुन के आसाम राज्य के कामाख्या ले श्री श्री 108 श्री मौनी कालाहारी बाबा ह घलो कोसम नारा रायगढ़ बाबा श्री सत्यनारायण के तपस्या दर्शन करे बा आई। बाबा के तपस्या ले प्रभावित होके दिनांक 2/5/2003 से दिनांक 8/4/2003 तक श्री श्री 108 श्री सत्य चंडी महायज्ञ करिस और बाबा सत्यनारायण ला श्री श्री 108 की उपाधि देके अपन स्वर्ग धाम वापस चल दीस। तब ले आज तक हर बच्चर श्री मौनी कालाहारी बाबा के अनुवाई मन कोसम नारा आथी। श्री सत्यनारायण बाबा के दिनचर्या ला अब हमन जानथन चलो। बाबा हा आहार के रूप में पानी गोरस और फल लेथे। ओकर नित्य क्रिया ऐच्छिक रथे। बाबा जी हा कोनो करा गोड़ बात नहीं करे। बिहनहा 6 बजे ले 7 बजे तक और रथिया 12:30 बजे ले 3 बजे तक आए वाले सब भक्त मन करा भेंट करती। बाबा हा अपन बात ला इशारा करके बताते। शनिवार के रात कन 12:30 बजे ले बिहन हा 5 बजे तक बाबा हा अपन भक्त मन करा भेंट मुलाकात करती।
आइए जानते हैं इस स्थान पर नए निर्माण के बारे में। तपस्या स्थली है सफा बंजर और उजाड़ जगह रही से। ओमेर कुछु कुछु निर्माण के काम चालू होइस। सबसे पहली कुटिया बनीस, तिहा पानी की व्यवस्था करे गईस। तपस्वी बाबा के दर्शन करे बा दूरिया दूरियारे लोग मन आए लगीस, जेकर से दान दक्षिणा आद गीस। ओकर मदद से बाबा के धामला साज सज्जा करेगी चालू करेगीस। पथराला टार के शिवलिंग के स्थापना होइस। धुनी के जगह मा हवन कुंड बनाए गईस। बाबा हा खेत मा भुइया मा बैठे के तपस्या करत रहीन है, ओला बाबा से अनुमति लेके चबूतरा बनाए गईस। और वही मा बैठे के अनुरोध करके बाबा ला चबूतरा में बैठाए बा मनाईस। 2009 मा जगत जननी मा अष्टभुजी दुर्गा माता के मंदिर बनाए गईस। बाबा के तपस्थली के तीर मा बाबा के नाम मा बहुत बड़े बाल उद्यान के निर्माण करे गए हैं। पूजा पाठ के सामान और बाबा के फोटो बेचार दुकान लगे रही थी। चाट गुपचुप के ठेला और फल फूल के दुकान भी बैठ थी। बाबा श्री सत्यनारायण हा 16 फरवरी 1998 ले आज तक गर्मी के घाम चम्मास के पानी और जाड़ के दिन रात सबो मौसम में खुला आसमान के तरी लगातार तपस्या करत बैठे है। बाबा हा जैन उम्र में तपस्या में बैठीस वो उम्र हा खेले खाए के होती, पर अपन लैकाई के ले ही बाबा श्री सत्यनारायण हा आने लैका मन असन नहीं होखे, भगवान के भक्ति भाव में लीन रहे लग गए रही नहीं। श्री सत्यनारायण बाबा धाम कोसम नारा मा का कहा आयोजन होते देखा। 16 फरवरी स्थापना दिवस, 12 जुलाई बाबा जी के जन्म दिवस, महाशिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, सावन के आखिरी सोमवार के महाभंडारा भी लगती। ये सब विशेष अवसर मा बाबा धाम कोसम नारा मा बड़े रूप मा मेला लगती और दूर दराज ले बाबा के भक्तमन बाबा के दर्शन और मेला देखेबा आती। सावन महीना मा बाबा धामा कांवर चढ़ैया मन के भीड़ रही थी। बड़े भंडारा मा प्रसाद खाएबा बड़ मन के जूर थी। ट्रस्ट दान के बारे में जान था। श्री सत्यनारायण बाबा धाम ट्रस्ट कोसम नारा रायगढ़ के नाम से चंदा इकट्ठा करे जाती। दानदाता मन यही नाम के चेक चाहे नगदी दान करे थी। हमर ओ पोस्टमन